आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के हेल्प से कैसे पोस्ट बना सकते हैं, इस वीडियो में हम वही बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद लेयर पे जाके हमें फ्रॉम गैलरी से बैकग्राउंड इमेज ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ये होने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके शेप्स लेके हम पिक्चर के लिए राउंड शेप्स ले लेंगे, कलर को ब्लैक कर देंगे, फिर इसको साइज करके बाई तरफ कोने में रख देंगे। यहाँ पे हमारा इमेज होगा। इमेज देने के लिए यहाँ पे क्लिक करके टेक्सचर पे जाना है। टेक्सचर पे जाने के बाद आप जो भी इमेज देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इमेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। आपका इमेज सिलेक्ट हो गया। उसको नाम देने के लिए प्लस वाले आइकन पे जाके टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में अपना नाम दे दीजिए। मैं फेसबुक दे रहा हूँ, आप अपना नाम दीजिए। उसके बाद ओके। फॉन्ट चेंज के लिए ए वाली ऑप्शन में जाके थोड़ा ऊपर करके फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है और ये साथ में फॉन्ट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ओके। फिर से प्लस वाले ऑप्शन में जाके शेप्स लेना है और इसके ऑपोसिटी को जीरो कर देना है और स्ट्रोक को पास कर देना है। उसके बाद ओके। यहाँ पे होगा हमारा अर्थ का फोटो एंड फैब्रिक क्लिकिंग गिप्स में। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, फिर ये हम आर्ट का फोटो ले लेंगे, PNG आर्ट फोटो। फिर इसको साइज में रख देंगे। हो गया। अब यहाँ पे हम पब्लिक लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस वाले आइकन पे जाके टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट में हम लिख देंगे पब्लिक। इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। उसके बाद ओके। उसके बाद पोजीशन कर लेंगे इसके। उसके बाद ओके। फिर लेयर में जाके इसको ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप मतलब मर्ज कर लेंगे। ये क्लिक करके हम ये रेक्टेंगल अर्थ एंड पब्लिक को एक साथ मर्ज कर लेंगे। हम प्लस वाले आइकन पे जाके शेप ले लेंगे और इसके ऑपोजिट को फिर से जीरो कर देंगे और स्ट्रोक को क्लीन कर देंगे। फिर यहाँ पे ओके। ये पे हम लिखेंगे वाह। उसके लिए टेक्स्ट में जाके हम बंदर की
और ले लिया, अब इसको इस बॉक्स के अंदर बैठा देंगे। ये सब पोजिशन से जाके इसको सही कर ले। उसके बाद ओके, अब इसका हम मार्च कर देंगे। इसके लिए लेयर पे क्लिक करके मार्च कर देंगे। हो गया, तो हम जो टेक्स्ट देंगे वो लिखेंगे। अब इसलिए टेक्स्ट में जाएंगे, उसके लिए टेक्स मिलेंगे और ये हम लिखेंगे। इसे टेक्स लेंगे, टेक्स लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब इसको हम अलाइन कर देंगे। तो हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे, उसके लिए फॉन्ट में जाके इसकी कलर कर लेंगे। इसलिए कलर पे जाएंगे, मतलब ब्लैक कर लेंगे, इस तरह इसका भी ब्लैक कर लेंगे। हम मैंने फिर PNG फुट डाउनलोड कर दी थी, वो अब डालेंगे। पोजीशन में जाके इसको सही कर लेंगे। अब ब्रोकन हार्ट वाली इमेज को भी ले लेंगे। ये हो गया हमारा डिजाइन। तो इमोजी का लिंक और बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यह 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट इमेज कर लेंगे।
यहाँ से अपना जो भी लेना चाहते हैं हाई फेरी हाई वो आप सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी। सेव हो गया। और अगर आप इस टेम्पलेट में बार बार काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सेव एज प्रोजेक्ट कर दीजिए, प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। प्रोजेक्ट फिर डन। फिर ओके कर देना है। इसमें क्या होगा कि आपको बार बार ये टेम्पलेट नहीं बनाने पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे आपका आएगा पिक्सल लैब, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके माय प्रोजेक्ट ऑन कर लेना, उसके बाद ऑन कर लेना, फिर यही चला आएगा। तो आपको बार बार टेम्पलेट नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही टेम्पलेट में आप बहुत सारी पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे।